टास्क टू, उसके अंदर आइडिया जनरेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम आपके पास सीरीज लेके आए हैं। अब उसके अंदर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, एक जो नॉर्मल चीज जो मैं डिस्कस करता हूं हमेशा, वो मैं फिर से डिस्कस करूंगा, वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग या WH मेथड। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे माइंड के अंदर जो आइडियाज छुपे हुए उनको बाहर निकालने के लिए। कैसे? कि आप कोई भी आइडिया है, कोई भी पॉइंट है, कोई भी थॉट है आपका, उसके आगे आप WH लगा दीजिए, स्पीकिंग में या राइटिंग के अंदर। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। जब आप ये करेंगे तो आपके अंदर जो आइडियाज छुपे हुए हैं वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये तभी काम करेगा लेकिन अगर आपके पास आइडियाज पहले होने चाहिए। अगर आपके पास आइडियाज पहले से नहीं है तो फिर ये मेथड काम नहीं करेगा। हमें क्या करना चाहिए, हमें अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आइडियाज या जो पॉइंट्स है वो हमें पहले से ढूंढ लेने चाहिए। अब ये काम आपके लिए हम लोग कर रहे हैं। आपने बस इतना करना है कि इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक पे नोट करके अपने एसेस में लिखना शुरू कर देना। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्राइम। क्राइम के ऊपर बहुत सारे एसेज आते हैं, बहुत सारे एसेज आते हैं आज के अंदर जो क्राइम से रिलेटेड होते हैं। तो हम देखेंगे क्या रीजन है क्राइम के और उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। पहले रीजन देखें क्राइम के क्या क्या होते हैं। पहला रीजन है पॉवर्टी, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन जो है जब किसी की खराब होती है तो देयर आर चांसेस कि वो क्राइम की तरफ चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रीजन है हम जब भी क्राइम वाले ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कई बार ऐसे ऐसे कुभाग भी डाल देते हैं वो, क्या इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने से क्राइम कम हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इसके लिए कैसे होंगे, राइट। अब ये वर्ड्स हैं जो जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे आप यूज कर सकते हो। इकोनॉमिक हार्डशिप मतलब के पैसे नहीं है, सर्वाइव, उनको सर्वाइव करना होता है लोगों को, बिना पैसे के आज कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। तो अगेन, तो पॉवर्टी किस तरफ लेके जाएगी उनको, क्राइम की तरफ लेके जाएगी। फाइनेंशियल सिचुएशन अगेन ये सिनोनिम है। फैमिली एक्सपेंसेस, जो हर किसी की फैमिली होती है उसके खर्चे पूरे करने होते हैं, अगर वो पूरे नहीं कर पाएगा इंसान तो देयर आर चांसेस कि वो गलत तरफ चला जाए। दीज आर द पॉइंट दैट यू आर गोइंग टू गिव एज अ रीजन फॉर क्राइम। सेकेंड रीजन इज सोसाइटी। कई बार इंसान ऐसी सोसाइटी में रह रहा होता है जहां से वो क्राइम को सीखना शुरू कर देता है, राइट, ठीक है। हो सकता है पॉवर्टी ना हो लेकिन फिर भी हो सकता है उसकी सोसाइटी ऐसी हो कि वो उसको क्राइम की तरफ मूव कर दे, राइट। लिविंग इन एन एनवायरमेंट विद क्राइम, जहां आपके आसपास ही सारे क्रिमिनल्स होंगे तो मोस्ट देयर आर चांसेस कि वो इंसान भी क्राइम की तरफ चला जाएगा। या फिर कुछ लोग क्रिमिनल्स को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, ठीक है। जब आपके आसपास क्रिमिनल हैं, जब किसी के पास क्रिमिनल है तो वो क्या करेगा, क्राइम को रोल मॉडल बना लेगा। तो दिस कुड बी अनदर रीजन व्हाई देयर इज क्राइम। इसके अलावा एक और रीजन है, कई बार पेरेंट्स बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसी सोसाइटीज में भी, ऐसी फैमिली कंडीशन में भी जब बच्चों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, देयर आर हाई चांसेस कि वो क्राइम की तरफ मूव हो जाएंगे। डिसरप्टेड फैमिली, ऐसी फैमिली है जिसके अंदर या फादर नहीं है या मदर नहीं है या दोनों ही नहीं है, इस तरह की फैमिलीज में भी क्योंकि पेरेंट्स की गाइडेंस या सपोर्ट ना होने की वजह से भी चांसेस हैं कि जो बच्चे हैं वो क्राइम की तरफ चले जाएंगे। ये भी सोसाइटी वाले पॉइंट में आएगा। अब्यूसिव पेरेंट्स, अब ये क्या है, कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को मारते पीटते हैं या आपस में लड़ाई करते हैं एक दूसरे की तरफ करते हैं, तो ऐसी फैमिली एनवायरमेंट के अंदर भी चांस है कि जो क्राइम बढ़ जाएगा। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू आर गोइंग टू राइट इन योर एसे अबाउट क्राइम एज द रीजन। ये रीजन देने के लिए आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। और कौन से रीजंस हैं, लीनियंट लॉ। कई जगह पर क्या होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से क्राइम के लिए जो पनिशमेंट होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती या सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो सब लोग क्रिमिनल्स को पकड़ सके या उनको क्राइम की पनिशमेंट दे सके। तो उस केस में भी क्राइम के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव नो फियर ऑफ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज कौन कौन सी हो जाएगी, पुलिस और कोर्ट्स या प्रिजंस। अगर उनका उनको डर ही नहीं है तो फिर वो क्राइम की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं या पनिशमेंट बहुत कम मिलती है। बड़े बड़े क्राइम की पनिशमेंट कम मिल रही है तब भी लोगों से डरना बंद हो जाता है। दिस कुड बी अनदर रीजन दैट यू कैन गिव। इस तरह से भी ऐसे जाते हैं कि क्या लॉस को स्ट्रिक्ट करने देने से या पनिशमेंट स्ट्रिक्ट कर देने से क्राइम रुक सकता है कि नहीं रुक सकता है। तो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एसेज रिलेटेड टू क्राइम। इसका हम सॉल्यूशन भी देंगे, डोंट वरी। ड्रग्स एंड एल्कोहल, तो देयर आर चांसेस कि जो लोग ड्रग्स के अंदर हैं या ओवर ड्रिंकिंग करते हैं, है ना, ड्रग अब्यूज में है, उनके क्राइमिनल बनने के
के जो चांसेस हैं वो कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू पीपल हु आर नॉट इन टू दीज बैड थिंग्स. सब्सटेंस अब्यूज, मोर चांसेस टू रिजोर्ट टू क्राइम. देर आर चांसेस कि वो जो लोग ड्रग्स लेते हैं या एल्कोहल के आदि हैं जिसके बिना नहीं रह सकते, तो वो भी क्राइम की तरफ चले जाते हैं. दिस कुड बी द फोर्थ रीजन फॉर क्राइम रिलेटेड एक्टिविटीज. इसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन. अगर किसी के अंदर एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन कम पढ़े लिखे हैं, देर आर चांसेस कि वो, अच्छा मैं बार बार कह रहा हूँ देर आर चांसेस, आपने सीधा ये नहीं देना कि हाँ एजुकेशन नहीं है तो वो क्राइम कर ही लेगा, पुअर पर्सन है तो वो क्राइम करेगा ही करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. उस केस में क्या होता है, फिर हमारे ऐसे में ओवर जनरलाइजेशन आ जाती है, उसके मार्क्स कट जाते हैं, फिर 7 नहीं देंगे वो आपको. तो आपने कहा ना देर आर चांसेस, मे कैन टू अ ग्रेट एक्सटेंट टू सम एक्सटेंट, इस तरह के वर्ड यूज करने हैं. ठीक है, ओके. सो लैक ऑफ एजुकेशन, अगर एजुकेशन कम है इसका मतलब उनको अवेयरनेस कम होगी, अच्छे बुरे का फर्क उनको नहीं होगा, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम होगी, उससे क्या होगा पॉवर्टी होगी, उससे हो सकता है कि वो क्राइम की तरफ चले जाए. सो दीज आर द रीजन, दीज आर द पॉइंट्स दैट यू आर टू गोइंग सॉरी यू आर गोइंग टू गिव इन योर एसेज रिलेटेड टू क्राइम एज द रीजन क्यों हो रहे हैं, उसके लिए आप क्या देंगे, यू आर गोइंग टू गिव दीज रीजंस. अब हमने रीजन तो दे दी, अब हम इसके क्या करते हैं, सोल्यूशन बताते हैं, क्या सोल्यूशन है. ठीक है, तो सबसे पहला सोल्यूशन है कि लॉ स्ट्रिक्ट होने चाहिए. कोई भी कंट्री है, कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी सोसाइटी है, उसको चाहिए कि जो क्रिमिनल्स हैं, एक तो उनके लिए जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हों. दूसरी चीज, उन लॉज को इम्प्लीमेंट भी अच्छे से किया जाना चाहिए, है ना. लॉज बना रखे हैं, अच्छे बना रखे हैं, लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहे फिर भी कोई फायदा नहीं है. तो जब भी हम इस तरह के पॉइंट्स, पहले अगर हमने लिखा है कि लोग लीनियंसी ऑफ लॉ सिस्टम की वजह से क्राइम की तरफ आ रहे हैं, तो उसका लगभग स्ट्रिंजेंट या स्ट्रिक्ट रूल्स और उसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन जरूरी है इसको सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. अगर एजुकेशन दी जाती है, एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, तो क्या होगा, उनको सही और गलत का फर्क करना आ जाएगा, और उनका जो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से क्या होगा, उनका माइंड गलत तरफ जाने के बजाय सही तरफ जाना शुरू हो जाएगा. ठीक है, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, आई होप इस पे आप लिख लोगे ना आराम से, है ना, कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट कैसे उनकी हेल्प करने वाले. जो पिछले पॉइंट है उनका हमने बस रिबटल देना है कि हाँ एजुकेशन ना होने से क्राइम होते हैं, एजुकेशन देंगे तो उनको सही गलत का फर्क पता लगेगा, दे विल बी अवेयर, और उनको पता लगेगा कि हाँ सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है. एम्प्लॉयमेंट होगी तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अपने आप इंप्रूव होगी, और वैसे भी अगर सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलना शुरू जाती है जिस लोग के पास एम्प्लॉयमेंट होती है, तो उनके क्राइम की तरफ जाने के चांसेस वैसे भी कम हो जाते हैं, राइट. कम्युनिटी एम्पावरमेंट, ये एक और तरीका होता है क्राइम को कम करने का. इसमें हम क्रिमिनल पे काम नहीं कर रहे हैं, हम जो सोसाइटीज पे काम कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे सोसाइटी अच्छे से लाइटिंग कर रखी है और कैमराज लगे हुए हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आपने, जैसे आप देखो आजकल बहुत सारी ऐड आती हैं कि आप किसी को भी अपना ओटीपी का पिन ना बताएं, किसी से अपनी डिटेल्स शेयर मत करें, किसी ऐसे बंदे को घर पे आपने वो नहीं रखना है, एम्प्लॉय नहीं रखना है या घर पे या काम पे, जिसके बारे में आप जानते ना हो, रेफरेंस ना हो. ठीक है, तो ये क्या है, ये अवेयर, अगर ये चीज सोसाइटी में होगी तो अपने आप वहां पर जो एक अवेयर सोसाइटी होती है वहां पर क्राइम कम हो जाता है, राइट. सो कम्युनिटी को हम एम्पावर करते हैं कैसे, कैमराज लगाकर या फिर लोगों को अवेयर करके, और साथ ही साथ पुलिस, अगर वो भी पेट्रोलिंग रेगुलर करती रहती है, पुलिस लोगों के बीच में जाती रहती है बार बार, तो उससे भी क्या है क्राइम होने के चांसेस कम हो जाते हैं, राइट. सो दिस इज अनदर वे ऑफ कंट्रोलिंग द क्राइम. इसके बाद जो हमने पॉइंट लिखा था एल्कोहल या ड्रग अब्यूज, तो उनका इलाज कराना पड़ेगा. जो लोग ड्रग्स की वजह से कर रहे हैं उनका क्या करना पड़ता है, हमें इलाज कराना पड़ता है. तो इधर क्या होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट का एक रोल प्ले करना पड़ेगा, उनको रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे उनके, और तो इससे क्या होगा, इससे वो लोग क्या होंगे, वो लोग वापस सोसाइटी में आ जाएंगे, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, क्योंकि जो ड्रग्स है ड्रग्स उनको बाहर आएंगे तभी सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उनको सोसाइटी अच्छा नहीं समझती, जब सोसाइटी उनको दूर करती है तो फिर क्या, सोसाइटी दूर होकर क्राइम की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अगर वो ठीक होना शुरू जाएंगे तो फिर उनको सोसाइटी भी एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएगी. तो हमें रिहेबिलिटेशन करनी है और सोसाइटी को भी अवेयर करना है कि आप, क्योंकि ये ठीक हो गए हैं तो आप इनको वापस अपने पास ले आए, स्टार्ट गिविंग देम रिस्पेक्ट. इसके बाद रिफॉर्म प्रोग्राम्स, ये किसके लिए है, ये एग्जिस्टिंग क्रिमिनल्स के लिए जिन्होंने क्राइम किया है, सजा मिल रखी है उनको, अब उनके लिए भी ना सोसाइटी के अंदर एक पॉइंट होता है कि दे डोंट एक्सेप्ट देम. तो अब क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को, पहले तो गवर्नमेंट का रोल है कि वो उनको
आजकल जेलों के अंदर भी क्या होता है, उनको सिखाते, कोई स्किल सिखाया जाता है, स्किल इसलिए सिखाया जाता है ताकि वो बाहर जाके कोई ना कोई काम कर सके जिससे कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी हो सके। ठीक है, सो दीज आर द इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिफॉर्म एग्जिस्टिंग क्रिमिनल। उनके अंदर स्किल आएंगे तो लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, इससे क्या उनके अंदर स्किल आते हैं, उनको अपनी रिस्पेक्ट हो जाती है कि हमें कोई काम आता है, वी कैन डू समथिंग। तो दिस इज अनदर वे टू कंट्रोल द क्राइम। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है अगर हमने क्राइम को प्रेस लिखना है। कई बार इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आगे ऐसे बन के आ जाते हैं, राइट, कि जैसे कम्युनिटी एम्पावरमेंट पर आ सकता है, रिफॉर्म प्रोग्राम पर आ सकता है, लॉज स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि ना होने चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे हैं जो आइल्स के अंदर आते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से पता होने चाहिए, राइट। आई होप कि अब आपके पास क्राइम के ऊपर कोई भी ऐसे आता है तो आप उसको डिटेल में लिख सकेंगे पॉइंट्स की, तो आपको कम से कम प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये हमारी सीरीज है जिसका नाम है आज पे बैंड चाहिए तो TARGET 9 आइए। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्रेज कीजिए, बुरा लगा तो बताओ क्या गलत है इसके अंदर। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई सजेशन हमारे लिए, प्लीज शेयर करें। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ना, मेक दिस वीडियो वायरल। लाइक अवर चैनल, लाइक अवर वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल, इट विल मोटिवेट अस टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोस। एंड यस, अगर आप लोग सोच रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने की तो नीचे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी एक फ्री डेमो क्लास भी ले सकते हैं जिससे कि आप TARGET 9 फैमिली का हिस्सा बन सके ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। आई होप कि अब आप अच्छे ऐसे लिखेंगे क्राइम रिलेटेड पॉइंट्स के ऊपर। एंड हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।